नमस्कार दोस्तों, वेनेक्स इलेक्ट्रिकल अहमदाबाद में आपका स्वागत है। वेनेक्स स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑटो और मैनुअल फंक्शन में कैसे डालना है इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पहले स्टार्टर को स्टार्ट करना है। स्टार्ट होने के बाद हमने सिंगल फेज दे रखी है, सो दैट फेज लॉस का सिग्नल दिखा रहा है। स्टार्ट होने के बाद कोई भी कंडीशन में आपको एंटर की को 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है, कुछ इस तरह से। ये दबा के रख दिया हमने 10 सेकंड के लिए, ये देखो ऑटो सेट। अब इसको छोड़ देना है जैसे आए, तो ये ऑटो में हो गया है। जैसे ही पावर कट होगी और पावर वापस आएगी, सो देट आपने सेटिंग जो इतनी की होगी उतनी सेटिंग के बाद, उतनी मिनट या उतनी सेकंड के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। इसको बोलते हैं ऑटो स्टार्ट फंक्शन। पहला फंक्शन है ओवरलोड, ये दूसरा आ गया ऑटो। अगर ऑटो अनेबल होगा तो ही ये फंक्शन दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। यहाँ से ये पीछे सेकंड आ रही है और 60 आपको जितनी सेकंड उस पर सेट करनी है उतनी सेट कर सकते हो। ये 60 सेकंड के बाद एक मिनट हो गई, ये जितनी सेट करोगे उतनी सेकंड या उतनी मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका ऑटो स्विच फंक्शन है, अप डाउन। और फिर से मैनुअल में लेना है तो एंटर बटन को फिर से आपको 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है, सो देट इस तरह से मैसेज आएगा MANU, इसको छोड़ देना है। ये हो गया, फिर आपको ये ऑटो स्विच का फंक्शन नहीं दिखाएगा। ये देखो ये ओनली ओवरलोड दिखा रहा है। अगर ऑटो में होगा एंटर की को 10 सेकंड दबाने से तो ऑटो स्विच का आपको इंडिकेशन आएगा और आप इसको सेट कर सकते हो। ये इसका स्टार्ट और स्टॉप स्विच है, स्मार्ट 99 ये मॉडल है। ये सबका सेटिंग सेम ही रहता है वेनेक्स इलेक्ट्रिकल में। थैंक यू वेरी मच।